E.M. फॉस्टर, फुल नेम एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर, बॉर्न इन 1879 एंड डाइड इन 1970। इनका सब्जेक्ट होता था क्लास डिवीजन, जेंडर, होमोसेक्सुअलिटी। और इनके कुछ नॉवेल्स हैं, हॉवर्ड्स एंड, वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, द लॉन्गेस्ट जर्नी, अ रूम विद व्यू, अ पैसेज टू इंडिया एंड मॉरिस। और इसका लेक्चर एक बुक में पब्लिश है, एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल। इनका थीम था कॉमन ह्यूमनिज्म, थे फिलोसफिकल, थे वैल्यू एंड एजेंसी ऑफ ह्यूमन बींग, सेक्सुअलिटी, होमोसेक्सुअलिटी से इनका स्ट्रगल है, और सिम्बोलिज्म का यूज किए हैं बहुत ज़्यादा। इनका एक ऐसे है द चैलेंज ऑफ आवर टाइम, जो 1946 में पब्लिश हुआ था। इनमें E.M. फॉस्टर चैलेंज ऑफ आवर टाइम किस तरह से, मतलब इंडिविजुअल राइट और लिबर्टीज का थ्रेट है अभी, यही चैलेंज है। इसमें यह कैपिटलिज्म के अगेंस्ट बोलते हैं, और किस तरह से मॉरल का डाउनग्रेड हो रहा है, स्टेट इंटरवेंशन कर रहा है हर चीज़ में, और ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने सेल्फिश फायदे के लिए पुअर का लैंड कैप्चर कर रहा है। और इसमें बताते हैं कि वैल्यू ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच और थॉट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये चैलेंज जो आवर टाइम है, इसका कैन ओनली बी मेट ओनली बाय स्पिरिचुअल फ्रीडम। इसका दूसरा ऐसे है व्हाट आई बिलीव, 1938 में पब्लिश हुआ था और नेशन में पब्लिश हुआ था। इसमें बताया कि बहुत सारे रिलीजन एंड फेथ आ चुके हैं, लेकिन ज़रूरत है टॉलरेंस, गुड टेम्पर एंड सिंपैथी की, यही वर्ल्ड को सेव करेगा। और अकॉर्डिंग टू E.M. फॉस्टर, उनके लिए पर्सनल रिलेशनशिप ज़्यादा मायने रखते हैं स्टेट से। डेमोक्रेसी बेटर देन अदर गिव्स वेराइटीज, डेमोक्रेसी की तारीफ करते हैं क्योंकि इनमें क्रिटिसिज्म अलाउज होता है और वेराइटीज देते हैं। ये हीरो वर्शिप के अगेंस्ट हैं कि एक कोई हीरो है वो हर बात सही करेगा। अरिस्टोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, बट अरिस्टोक्रेसी ऑफ पावर नहीं, स्किल का। और ये इंडिविजुअलिस्ट एंड लिबरल हैं। इनका थर्ड ऐसे है द ड्यूटी ऑफ सोसाइटी टू आर्टिस्ट, उसमें इन्होंने बताया कि सोसाइटी का कुछ रिस्पॉन्स होता है आर्टिस्ट के लिए, आर्टिस्ट ही फ्यूचर को बचा सकता है, क्योंकि साइंस जितने तरह का फैटल वीपन्स बना चुका है, एक आर्टिस्ट ही मैन को सॉफ्ट रख सकता है। एक और ऐसे है डज कल्चर मैटर, डज कल्चर मैटर में इन्होंने बताया है कि अब मतलब लोग क्लासिकल कल्चर को भूलते जा रहे हैं, सबको पैरोडीज और चीप ड्रामा में ज़्यादा मन लग रहा है। कल्चर ये सिर्फ ब्रिटिश कल्चर का नहीं बात करें, ये करें हर नेशन का अपना एक कल्चर होता है, जो कल्चर समय के साथ चेंज होता है, लेकिन कल्चर कभी मतलब पूरी तरह से नहीं हटता, ये इम्पैक्ट करता है आदमी को एंड इट मैटर्स। इनका एक नॉवेल है अ पैसेज टू इंडिया, ये 1924 में लिखी गई थी, और इसमें मतलब रिलेशनशिप दिखाया गया है नेटिव पॉपुलेशन ऑफ इंडिया का इंग्लिश पीपल से जो राज कर रहे थे। प्लेस है चंद्रपुर, और पहला चैप्टर है मॉस्क। वहाँ पे डॉक्टर अजीज, जो एक डॉक्टर हैं इंडियन, उनको एक ब्रिटिश वुमेन मिसेस मूर से मिलता है, जो मदर है रॉनी की। रॉनी हेल्सोप जो है वो इस चंद्रपुर का मजिस्ट्रेट है, और उन फ्यूचर में वो एडेला क्वेस्टेट से शादी करने वाला। मोस्ट ऑफ ब्रिटिश हेट करते हैं इंडियन को, लेकिन मिसेज मूर नहीं करती। और एक मिस्टर फील्डिंग है जो वहाँ पे टीचिंग का काम करते हैं, वो भी इंडियन के साथ फ्रेंडली हैं, और अजीज के साथ भी। मिस्टर मूर और अडेला इंडिया को और क्लोज से जानना चाहती थी, तो वो लोग अजीज, फील्डिंग, गॉड बोले, मूर एंड अडेला प्लान बनाते हैं मारावार केव्स को विजिट करने। सेकेंड चैप्टर मारावार केव्स, ये लोग जाते हैं, गॉडवेले फील्डिंग नहीं जा पाते हैं, उनकी ट्रेन छूट जाती है। वहाँ पे क्राउडेड मतलब केव है, वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई की कमी है, तो मिस मूर को डिस्कम्फर्ट होता है, वो पहले ही मतलब ड्रॉप कर देती है। अजीज अडेला आगे बढ़ते हैं, तो अडेला का हेलुसिनेट होता है कि अजीज उसको रेप करने का कोशिश कर रहा है, तो वो वहाँ से भाग जाती है। और वो भाग के अजीज पे आरोप लगाती है उनका, उसका रेप करने का। फिर केस होता है
तो लोग डिवाइड हो जाते हैं इंडियन और ब्रिटिशर्स में। केस जैसे प्रोसीड होता है मिसेस मूर के समझाने पे, और एडिला अपने से भी सोचने पे डिनाई कर देती है कि ऐसा सच में हुआ था या नहीं। तो अजीज एक्यूट हो जाता है, छूट जाता है, लेकिन अब उसको ब्रिटिशर से भरोसा उठ चुका है। थर्ड एंड लास्ट चैप्टर है टेम्पल। यहाँ पे अजीज बहुत बदल चुका है। यहाँ पे उनको फील्डिंग से भेंट होती है, बहुत लंबे समय से जिस दिन उन बात नहीं हुई है, कुछ कन्फ्यूजन हो गई है। अजीज को लगता है कि फील्डिंग ने अडेला से शादी कर ली और ये दोनों मिले हुए थे केस में इनको फंसाने में, लेकिन पता चलता है कि नहीं, फील्डिंग ने अडेला से शादी नहीं किया है। लेकिन दोनों इस बात एग्री करते हैं कि जब तक इंडिया गुलाम है ब्रिटिश का, ये दोनों दोस्त नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्रति प्रिजुडाइज हैं।